तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था और थंबनेल में भी लिखा हुआ है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डर फ्लोर्स के बाजार भाव की। अभी जो बाजार भाव चल रहे हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं, आज इन्हीं सब मुद्दों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं हूं नरेश सिंह शेखावत, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों तक डेली भेजता रहता हूं और बहुत अच्छी अच्छी डील मैंने आप सब लोगों के लिए निकाल के दी हैं जिन्होंने अब तक मेरे साथ रियल एस्टेट मार्केट में पैसा लगाया है। अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि आज जो बिल्डर फ्लोर्स के भाव हैं, क्या वो सही हैं या नहीं हैं। इसे समझने के लिए मेरे पास एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर ए जो है वो है कॉस्ट ऑफ लैंड, बी जो है वो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सी जो है वो है बिल्डर मार्जिन। जब तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक एक्स अमाउंट निकलती है जिससे हम अपने आज की मार्केट के बिल्डर फ्लोर्स के रेट को डिसाइड कर सकते हैं कि वो सही हैं या नहीं हैं, या जिस रेट पर आप खरीदने जा रहे हैं वो रेट आपके लिए सही है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आज मैं 204 गज के एक प्लॉट पर फ्लोर बनाने जा रहा हूँ। अब क्या मेरी कॉस्ट ऑफ लैंड होगी, क्या मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी, क्या मेरा मार्जिन होगा, और मुझे अगर कल किसी को फ्लोर बेचना है तो मेरे लिए उस फ्लोर का रेट क्या रहने वाला है। अगर आज एक स्टैंडर्ड रेट की बात करें तो हम मान लेते हैं कि 204 गज का जो प्लॉट है वो आपको 2 लाख रुपए गज के रेट पर किसी अच्छे सेक्टर में मिल जाता है। अब हम मान लेते हैं कि आज के टाइम में एक अच्छे सेक्टर में हमें 204 गज का प्लॉट जो है 4.5 करोड़ रुपए में मिल जाता है। मैं ये 4.5 करोड़ रुपए का रेट जो लेके चल रहा हूँ, ये सेक्टर 46 को बेस मान के, सेक्टर 46 को बेस मान के, क्योंकि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स की और बायर्स की पसंद रहा है, आज भी है और आगे भी इसी तरह रहेगा। तो अगर सेक्टर 46 में आप 204 गज का प्लॉट आज मैं खरीदूंगा तो लगभग मुझे 4.5 करोड़ रुपए में मिलेगा। अब ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ लैंड। अब बात आ जाती है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की, कि अगर आज मैं बनाता हूँ तो मेरा कितना पैसा लगने वाला है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास आज के दिन 204 गज के प्लॉट पर अगर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर का मकान बनाते हैं तो 2 करोड़ रुपए आपके लगने वाले हैं। ये चीज़ आप किसी आर्किटेक्ट से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, और जो मैंने कॉस्ट ऑफ लैंड की जो बात की है वो भी आप मार्केट में किसी भी डीलर से, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से क्रॉस चेक कर सकते हैं। 2 करोड़ रुपए अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, अब बात आ जाती है बिल्डर के मार्जिन की। तो जब आज मैंने प्लॉट खरीद लिया और 2 करोड़ रुपए मुझे कंस्ट्रक्शन में लगाने हैं, हालांकि मेरा जो 2 करोड़ रुपए है वो आज ही नहीं लग रहा, अगले 18 महीने जो कि लगभग टाइम लगता है एक प्रॉपर्टी को रेडी टू मूव करने में, 18 महीने में मेरा 2 करोड़ रुपए लगेगा। लेकिन आज मैं मान लेता हूँ 1 करोड़ रुपए, कि आज मैंने ऑन द वेरी फर्स्ट डे 1 करोड़ रुपए लगा दिया, 1 करोड़ रुपए मेरा आगे आने वाले 18 महीने में लगेगा। अब आज पहले दिन लगभग मैं 5.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके और आपके लिए फ्लोर बनाऊंगा। अब 5.5 करोड़ रुपए का जो, जिसको हम साहूकारी का ब्याज बोलते हैं, 2% इंटरेस्ट भी अगर मैं अगले 18 महीने का कैलकुलेट करूं, तो ये लगभग आपका 2 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। ये मैंने बिल्कुल वाजिब इंटरेस्ट लगाया है, इसमें भी मैंने 1 करोड़ रुपए को नेग्लेक्ट कर दिया है जिसपे मैं कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा। साथ ही साथ 18 महीने जो मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका भी मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है। 4.5 करोड़ रुपए हमारी लैंड ऑफ कॉस्ट थी,
2 करोड़ रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी और 2 करोड़ रुपए मेरी पूंजी का ब्याज हो गया। टोटल बनता है 8.5 करोड़ रुपए। अब अगर मैं 4 फ्लोर में इसको डिवाइड कर दूं तो लगभग ये रकम 1 फ्लोर की निकलेगी 2 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास। तो अगर आज के दिन आपको सेक्टर 46 में 2 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास 204 गज का फ्लोर मिल जाता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही वाजिब रेट है। अगर इसके आसपास आपको रेट मिल रहा है तो आप उस रेट को गलत नहीं बोल सकते। इसमें मैंने अपनी मेहनत छोड़ दी है, मैंने अपना जो 1 करोड़ रुपए जो मैं अगले 18 महीने में और कंस्ट्रक्शन में लगाने वाला हूँ उसका इंटरेस्ट भी छोड़ दिया है, उसके बाद मैंने ये कॉस्ट ऑफ फ्लोर निकाली है। इससे शायद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर ये रेट आपको मार्केट में 204 गज के फ्लोर का कोट हो रहा है, इसका मतलब आपको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते फिर से मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you so much.